exposed to. हेलो दोस्तों, साइंस शॉप में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक और पजल लाया हूं। इसको हम 8 नंबर पजल बोलते हैं, 8 नंबर। देखिए, क्योंकि ये 8 नंबर जैसी है, देख पा रहे हो आप, और इसके अंदर एक रिंग आप देख पा रहे हैं। ये अब इसे सॉल्व कैसे करना है, इस रिंग को आपको अपना दिमाग दौड़ाकर, अपनी ट्रिक्स लगाकर बाहर निकालना है। देखिए, बड़ा ही इम्पॉसिबल सी चीज़ है, पर ये बड़ी आराम से बाहर आ जाएगा। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे बाहर आएगा, उससे बाहर निकल जाएगा। और ये बीच में आपको जॉइंट्स दिख रहे हैं, पर ये भी इतने ज़्यादा फिक्स हैं कि आप इसको खोल नहीं सकते। आपको ट्रिक लगाकर ही इस रिंग को बाहर निकालना पड़ेगा। देखिए, ये इधर से उधर चला जाएगा पर बाहर नहीं आएगा, यहाँ पर भी आके फंस रहा है, क्योंकि इस 8 नंबर का साइज बड़ा है और रिंग छोटा है। तो आप कैसे इसे बाहर निकालेंगे, चलिए एक दो तरीके हैं, उसको लगाकर देखते हैं। सबसे पहले इस 8 नंबर को ऐसे पकड़िए, उसके बाद दोनों को एक साथ लाइए ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसे क्रॉस कर दीजिए ऐसे, ठीक है। अभी जो नीचे क्रॉस है इसको पकड़ लीजिए। अभी जो रिंग आपको दिख रहा है, इस रिंग को इन दोनों के बीच में लाने की कोशिश कीजिए ऐसे, थोड़ा सा सोल्व कीजिए ऐसे, ऐसे थोड़ा सा कोशिश करते रहिए, यह बड़ी आराम से इसमें से निकल जाएगा। देखिए, आ गया सेंटर में, और धीरे से आप इसे वैसे बाहर निकाल दीजिए। कितना इजी था, समझ नहीं आया तो बार बार इसे देखिए, स्लो स्पीड करके देखिए, स्लो मोशन में देखिए। अभी वापस मैं डालूंगा तब आपको समझ आए वापस कैसे डलेगा इसमें। अभी आपने इसे ऐसे पकड़ा है, अब इसको एक साथ लाइए ऐसे, ठीक है। अगर आप इसे ऐसे डाल देंगे एज इट इज, तो ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, निकल गया। तो आप इसे कैसे डालें, एक साथ इसे पकड़िए दोबारा से ऐसे, इस रिंग को यहां पर डाल दीजिए, उसके बाद फिर से क्रॉस कीजिए ऐसे, क्रॉस किया और थोड़ा सा प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा इसमें, बस दोबारा से रिंग इसमें 8 नंबर में आ गया है, देख सकते हो आप। दोबारा से एक बार देखिए कैसे निकालें, फिर से आप इसे एक साथ लाइए, फिर से क्रॉस कीजिए, ठीक है। क्रॉस किया, नीचे से इसे पकड़ लीजिए ऐसे, इन छोटे छोटे रिंग को दूर कीजिए। अभी आप एक छोटी सी कैविटी देख पा रहे हो यहां पर, ये इस तरफ, हाँ ये वाली, ये यहीं पर से वापस आ जाएगा। अभी इसका एक हिस्सा इसके अंदर आपको लाना है, देखते जाइए ध्यान से, देख रहे हो आप। अगर ये थोड़ा सा नीचे और खिसक जाए इसमें ऐसे, तो ये पजल सॉल्व है। ज़्यादा फोर्स आप लगाओगे तो ये और ज़्यादा फंस जाएगा, तो आपको आराम से संयम रखकर इस पर काम करना है। एक बार और देखिए, अब इसे वापस डाल देते हैं इसी में, इसको यहाँ पर ऐसे डाला, इसको क्रॉस किया ऐसे, और फिर से इसमें फंस गया है। दोस्तों, पजल होती हैं वो काफी अच्छी होती है दिमाग के लिए, दिमागी विकास के लिए, बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि उन्हें अपना ध्यान पढ़ाई में और चीजों को याद रखने में ज्यादा लगाना होता है। और पजल एक ऐसी चीज है जिसमें कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता,
आप जितना अपना दिमाग दौड़ाएंगे, जितना इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपके दिमाग पर प्रेशर आएगा और आप खुद के दिमाग के साथ चैलेंज लेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप इसे सुलझा नहीं सकते, ये बनी ही ऐसे तरीके से ताकि आप इसे सुलझा सकें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही बहुत सारे पजल्स को देखने के लिए, साइंस एक्सपेरिमेंट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।